नीमच नगर पालिका में बंगला बगीचा क्षेत्र में व्यवस्थापन की कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के ही कर्मचारी सत्येन यादव द्वारा आवेदनों की जमा राशि में गबन किए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खुलासा उस वक्त हुआ जब छोटे लाल शर्मा नामक आवेदनकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों को की, जिसमें सामने आया कि छोटे लाल द्वारा 2 लाख से ज्यादा की राशि जमा करवाए जाने के बाद भी वो राशि नगर पालिका के रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई। यही नहीं, ऐसे ही 2 मामले और सामने आए हैं जिसमें नगर पालिका कर्मी सत्येन यादव ने फर्जी रसीदें लोगों को पकड़ा दी और पूरी की पूरी राशि हड़प ली। अब नगर पालिका इस मामले में अपनी जांच में जुटी है और प्रथम दृष्टया ही मामले में सत्येन यादव द्वारा जमा राशि हड़पने की बात सामने आने के बाद उसे निलंबित भी कर दिया गया है। ऐसा है कि हम उनको बार बार मांगते रहे, उन्होंने रसीद बना करके और रसीद को उन्होंने कैंसिल करके ऑडिट करवाया, जो भी करा उन्होंने किया। हमको तो जब हमने उसकी फाइल ही घुमा दी थी, 3 दिन तक सर्च करवाने के बाद तो फाइल मिली वो, और फाइल मिलने के बाद उसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारे तो पैसे जमा नहीं है। तब खलबली मची, तब हमने आगे कार्रवाई की। अब फाइल तो उनके पास है, हम कैसे समझे कि इसमें पैसा जमा है या नहीं, कहाँ बढ़ रही है। वो कहते, उसने कहा कि किसी से हम जाने की जरूरत नहीं है, एसडीओ साहब जब संभालेंगे काम, मैं आपका काम करवा के आपके घर पे ला के दे दूंगा। और रसीद मैंने जब उनसे मांगी दोबारा, जो लेके गए थे मेरे से मांग करके, तो उसके लिए बोले कि बिना एसडीओ साहब के साइन के मिलेगी नहीं, तो वो एक साथ ही हो जाएगी, कंप्यूटर की बन के आएगी। ऐसा उसने कह के मेरे को चकमा देकर, ये तो क्लियर कर दिया ना उन्होंने कि आपके पैसे जमा है ही नहीं है। ये तो सीएमओ साहब ने किया, सीएमओ साहब को जब शिकायत की तो बोल उनको उसकी फाइल निकलवाई तो उसके अंदर और भी फाइलें निकली उसकी, जिसके साथ उसने गबन किया। एक सत्येन यादव करके है बाबू, वो वहाँ रसीद वगैरह काटता था, तो जानकारी में आया कि उसने एक रसीद जारी करी और उसको फिर निरस्त भी कर दी, और 2 रसीदें कल और हमारे को प्राप्त हुई हैं जिसमें वो हमारे बुक रसीद से या बुक से जारी नहीं हुई हैं, लेकिन संबंधित द्वारा शिकायत की गई कि हमने ये इसको राशि दी और उसने ये रसीद दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की जांच मैं रेवेन्यू ऑफिसर से करवा रहा हूँ और उसको शोकाज नोटिस भी जारी किया है, और शोकाज नोटिस जारी होने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई तो 100% करूँ।